بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ये सेकेंड सेमेस्टर डिग्री फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का मॉडल पेपर है. ये सिर्फ मॉडल पेपर है, इसमें आंसर नहीं है. अगर आपको आंसर देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस के लिंक मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं. और वैसे सारे सेमेस्टर के मॉडल पेपर भी है और सारे सेमेस्टर के मॉडल पेपर आंसर के साथ भी वीडियो बने हुए हैं, आप वो भी देख सकते हैं. अगर आप फोटो भी लेना चाहें तो ये फोटो आप ले सकते हैं ताकि आप जरास कराकर भी आपको पढ़ने में आसानी हो. अगर आपको वीडियो समझ में आ रही या कुछ डाउट है तो मेहरबानी होगी आप कमेंट्स में जरूर लिखें ताकि अगले वीडियो में वो शिकायत दूर हो. अगर आप कुछ इसमें समझ में ना आए तो जरूर लिखे कमेंट में. तो चलिए मैं इसको जूम आउट करके थोड़ा हम इसको पढ़ेंगे. सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर लिखे हुए हैं. ये है देखिए सेट बी. सेट बी का मॉडल पेपर है. हम इंशाल्लाह दो भी मॉडल पेपर अब तफसील से पढ़ेंगे. और एक बात ये बता दूं, ये तेलंगाना के तमाम यूनिवर्सिटीज के लिए काम आ सकते हैं. हाँ बिट कुछ आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन यही आएंगे. ये तो सिर्फ मॉडल पेपर उस्मानिया यूनिवर्सिटी के है लेकिन सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ये मॉडल पेपर पढ़ सकते हैं. लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि आप जिस दूसरी यूनिवर्सिटी के हो तो क्वेश्चन आंसर्स आगे पीछे या ऊपर नीचे हो सकते हैं बिट्स. तो ये है उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद, बीए बीएससी बीकॉम बीबीए सेकेंड सेमिस्टर ये 2020 का है. सेकेंड लैंग्वेज अरबिक. ये देखिए सेक्शन ए, आंसर एनी फोर क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरी 5 मार्क्स. बिट नंबर 1, ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्सेस विथ रिफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट. यहाँ पे एक सूरे के आयत है जिसका आपको ट्रांसलेशन करना है और रिफरेंस देना है कि ये कौन से सूरे की आयतें हैं. आयत है देखिए, फमन यअमल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन यरा. ये आयत है. इसका अगर आपको आंसर चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेट बी के बल्कि पूरे सेट के वीडियो से आप वहां से देख सकते हैं. ये सिर्फ मॉडल पेपर समझा रहा हूं मैं. बिट नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हल रजाऊ इला बैतिहिम फरीहीना व मसरूरीना. ये क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है और दूसरे भी आ सकते हैं. कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे ये आप मेरी वो वीडियो देखें जो सेकेंड सेमेस्टर के आंसर के साथ है. अगर इसका भी आंसर चाहिए तो आप वो वीडियो जरूर देखें. उसके बाद बिट नंबर 3, राइट पॉजिटिव फ्रेज विथ एग्जाम्पल्स उक्तुब अन अल मुरक्कब अल इजाफी माल अम्सिला. पॉजिटिव फ्रेज किसको बोलते हैं, मुरक्कबे इजाफी किसको कहते हैं, यह आपको लिखना है इसमें. इसके लिए मैं फिर वही कहूंगा कि आप वो वीडियो जरूर देखें जो आंसर के साथ है. उसके बाद बिट नंबर 4 है, राइट ब्रीफली अबाउट पोएट्री इन इस्लामिक पीरियड उक्तुब अनिशार फिल असर इस्लामी. इसके लिए भी आंसर, अगर आपको आंसर चाहिए तो वो वीडियो जरूर देखें जिसमें आंसर के साथ बताया गया है और समरी है, इंग्लिश में भी है और उर्दू में भी है. बिट नंबर 5, राइट एनी 5 मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हातिमान खम्स कलिमात मिन अत्तालिया. यहाँ पे कुछ वर्ड है, इन वर्ड्स के आपको ट्रांसलेशन करना होगा, चाहे उर्दू में करें या चाहे इंग्लिश में करें. उसके बाद है बिट नंबर 6,
Bit number 6, convert any 5 of the following singular word into plural. कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे सिंगुलर, उसका प्लूरल लिखना होगा आपको. वाहिद दिए जाएंगे, उसकी जमा क्या आती है आपको लिखना होगा. यहाँ तो कुछ चंद वर्ड ये लिखे हुए हैं, हो सकता है ये भी आ जाए और हो सकता है इसके अलावा भी आ जाए. इस वजह से पूरे वर्ड्स याद करें उसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आंसर के साथ दो वीडियो है, सेट ए सेकेंड सेमिस्टर सेट ए और सेट बी, वो दो जरूर देखें आप. ये था सेक्शन ए, उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे. ये है सेक्शन बी, आंसर ऑल क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 15 मार्क्स. ये देखिए बिट नंबर 7, डिस्क्राइब द समरी ऑफ सूरतुल कद्र. बयान तफसीर सूरतुल कद्र, सूरह कद्र की समरी लिखना है. यह चॉइस में है, राइट द समरी ऑफ सूरतुल जिलजाल, सूरह जिलजाल की समरी लिखे. बिट नंबर 7 में इन दोनों में से किसी एक की समरी लिखना है, चाहे सूरह कद्र की या चाहे सूरह जिलजाल की. उसके बाद है बिट नंबर 8, राइट द समरी ऑफ द इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन, एग्जीबिशन का समरी लिखना है आपको. या राइट द समरी ऑफ द लेसन नवाब मीर उस्मान अली खान, द सेवंथ निजाम. उक्तुब खुलासता अद्दर्स अन निजामु साबे मीर उस्मान अली खान. उसके बाद बिट नंबर 9 है, एक्सप्लेन द एडजेक्टिवल फ्रेज विद द एग्जांपल. उक्तुब अनिल मुरक्कब अत तौसीफी माल अमसीला. या आपको लिखना है एक्सप्लेन नॉमिनल सेंटेंस विद एग्जांपल. उक्तुब अनिल जुमला अल इस्मिया माल अमसीला. बिट नंबर 10 है, राइट द नोट हसन बिन साबित द पोएट ऑफ होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. उक्तुब अन शायर रसूल हसन बिन साबित रजी अल्लाह अन. और या इसी बिट में या आपको ऑप्शन में ये है, राइट इन डिटेल अबाउट द कंप्लीशन ऑफ द होली कुरान. उक्तुब अन तदवीन कुरान मजीद मुफस्सलन. ये है आपका मॉडल पेपर, फिर मैं आपको जूम इन करके बताऊंगा. ये है सेक्शन ए और उसके बाद ये है सेक्शन बी. आप अगर फोटो लेना चाहे तो फोटो भी ले सकते हैं. मैं आपसे फिर गुजारिश करूंगा, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, कुछ डाउट है तो कमेंट्स में जरूर लिखें. अगर मुझसे कुछ गलती हुई तो भी आप लिखें, अगर अच्छा दिखे तो आप वो भी कंप्लेन ये भी आप कमेंट्स में जरूर लिखें. और दुआओं की दरखास्त है, खास तौर पर दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए दुआ करें. और पूरे वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से पूरे वीडियोस देख सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.